वेलकम स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में यू आर गिवन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू माइनस टू ए प्लस नाइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो का दोनों रूट्स थ्री से बड़ा होना चाहिए। ऐसा होना है तो ए का क्या वैल्यूज होना चाहिए, ठीक है इसका। एंड इफेक्टली यू आस्क्ड टू शो दैट ए शुड बी ग्रेटर देन 11 बाय 9, ठीक है। सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया। सो इज अ क्वेश्चन ऑन लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। सो इफ बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन हैज टू बी ग्रेटर देन 3, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे होना चाहिए? अगर y इज इक्वल टू दिस, इफ आई ड्रॉ द ग्राफ, सो ये वाला 3 है मान लीजिए। सो ग्राफ जो है ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब दोनों रूट्स, इसका एक रूट दूसरा रूट, दोनों रूट थ्री से बड़ा होना चाहिए। सो द ग्राफ हैज टू बी लाइक दिस, ठीक है। सो ग्राफ, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ ऐसा होना है तो व्हाट आर द कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन इज डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन जीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर सकता हूं, रिपीटेड रूट्स भी हो सकते हैं। फर्स्ट रूट तो होना चाहिए तभी ग्रेटर देन थ्री और लेस देन थ्री डिस्कस कर सकता हूं। सो डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एंड द सेकेंड कंडीशन इज इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है माइनस बी बाई टू ए हैज टू बी ग्रेटर देन 3। मेरा पैराबोला का वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर वर्टेक्स मान लीजिए यहाँ है एक रूट तो वर्टेक्स से पहले आएगा, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द रूट्स। सो अगर ये 3 से कम है तो एक रूट तो 3 से पहले हो जाएगा, सो माइनस बी बाई टू ए जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन इज आप मान लीजिए बी बाई टू ए जो है वो 3 से बड़ा है, बट ये वाला ग्राफ जो है ऐसा नहीं हो सकते हैं। अगर इतना मोटा है तो एक रूट 3 से पहले हो गया, ये पतला होना चाहिए। इसका मतलब है 3 से पहले ये वाला ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कटना चाहिए। दिस ग्राफ हैज टू कट एक्स एक्सिस बिफोर 3, नॉट आफ्टर 3। बिफोर 3 कट होना चाहिए, इसका मतलब इफेक्टिवली क्या होना चाहिए, देखिए 3 पे जो फंक्शनल वैल्यू है दैट हैज टू बी पॉजिटिव, मतलब जब तक 3 पे आएगा वो पॉजिटिव बन जाना चाहिए। अगर 3 पे नेगेटिव बन गया तो इसका मतलब 3 के बाद वो पॉजिटिव बन रहे, कहीं ना कहीं 0 3 से पहले होगा, ठीक है। सो इफ दिस रूट ऑल्सो हैज टू बी ग्रेटर देन 3, आपको f ऑफ 3 जो है 3 पे जो फंक्शनल वैल्यू जो है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। सो दीज आर द 3 कंडीशंस विच नीड्स टू बी वैलिड फॉर बोथ द रूट्स टू बी ग्रेटर देन 3। सो एक एक फंक्शन अप्लाई करेंगे। सो द फर्स्ट कंडीशन इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर 36a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। सो आपको क्या आएगा, 36a स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8a माइनस 36a स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज 8a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, सो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो दैट्स फर्स्ट कंडीशन, एंड तीनों कंडीशन सेट होना चाहिए। एंड व्हाट इज सेकंड कंडीशन, माइनस बी बाई टू ए शुड बी ग्रेटर देन 3। सो माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 6 ए बाई टू शुड बी ग्रेटर देन 3। सो दिस इंप्लाइज 3 ए ग्रेटर देन 3, दिस इंप्लाइज ए शुड बी ग्रेटर देन 1। सो इसके लिए भी ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। एंड व्हाट इज द थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन इज एफ ऑफ 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एक्स के प्लेस में 3 पुट किया तो आपको पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। इट इज 9 माइनस 18a प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। सो दिस इंप्लाइज 9a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 11 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो अगेन 9 इंटू इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 का मतलब है द वेरिएबल हैज टू लाई आउटसाइड द रूट्स, ठीक है। सो कैन आई स्प्लिट दिस, सो माइनस 11 माइनस 9 करके स्प्लिट कर सकता हूँ। सो 9a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 11a
plus 11 is greater than 0. This implies 9a times a minus 1 minus 11 times a minus 1 is greater than 0. So this implies a minus 1 into 9a minus 11 has to be greater than 0. So a has to lie outside the roots. So its roots, jo hai, I plot them on real axis. Ek root 1 hai. Dusra root jo hai 11 by 9, that is greater than 1. So 11 by 9. So my a has to lie outside the roots. Either 1 se chota hona chahiye or 11 by 9 se jada hona chahiye. So a has to be greater than 1 or a is, sorry, a has to be less than 1 or a has to be greater than 11 by 9. ठीक है, so दो options है आपको. So now तीनों equation को solve कर लिया हमने. So now let us try to find the common solution. ठीक है, so let us plot all the solutions on a single tag. So मेरा first condition के लिए a has to be greater than or equal to 1. ठीक है, second condition है के लिए a has to be greater than 1. And third condition के लिए a has to be either less than 1 or greater than 11 by 9. So either 11 by 9 se bada or 1 se chota. So is there, so are there any numbers which satisfy all the three conditions? So aap dekh sakte 11 by 9 ke baad jo numbers hai wo is condition ko bhi satisfy karega, second condition ko bhi satisfy karega, third condition ko bhi satisfy karega. So what's the common answer? A has to be greater than 11 by 9. So hence show. So that is what you are asked to show. So A greater than 11 by 9 hona chahiye. Thank you.